हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों अभी आप सुबह किस में देख सकते हैं लाइव स्नोफॉल, तो आज बहुत ही औसम व्यू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं बर्फ़ के बीच बर्फ़ के मज़े ले रहा हूँ। तो दोस्तों आज का व्लॉग कर रहे हैं हम इस सुहाने मौसम में शुरू, और आप जैसे कि देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है हमारे यहाँ पर। तो एक बार फिर से बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जब बर्फ़ गिरी थी, तो आज फिर से मौसम ख़राब हुआ और करवटें बदली, और आज के दिन बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी होने के आसार है। और जैसे कि आप पीछे की ऊपर की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर बगीचे में भी पेड़ों में बर्फ़ की चादर बिछनी शुरू हो चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पर नीचे की तरफ भी देख सकते हैं, खेतों में भी बर्फ़ की चादर बिछ चुकी है। तो दोस्तों आज का न्यू ब्लॉग कर रहे हैं हम यहीं से स्टार्ट। तो आज की इस पूरी वीडियो में बने रहना, आज के दिन में जो भी होगा तो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, और हमारे साथ अंत तक बने रहना इस वीडियो में। तो दोस्तों चलो मैं आपको दिखाता हूँ अभी का मौसम किस तरह का है। तो आइए दोस्तों आप इस वीडियो में इंजॉय करें और हमारे साथ अंत तक बने। आई लेट्स चेक आउट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं धुंध काफ़ी छाई हुई है, तो इस साइड का जो एरिया है वो तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है क्योंकि भारी बर्फ़बारी और साथ में धुंध भी छाई हुई है, और काफ़ी औसम व्यू। और मैं अभी अपने घर के साथ में ही खड़ा हूं, तो यह मेरा घर और घर के पास से मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। तो काफ़ी औसम व्यू, तो आप यहां पर देख सकते हैं नीचे की तरफ, तो अभी स्पेस चादर बिछनी शुरू हो चुकी है। तो आज का जो मौसम है बहुत ही सुहाना और बहुत ही खूबसूरत आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आज मैंने आपको एक लाइव व्लॉग बनाया, तो आज के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से बर्फ़बारी गिरती है हमारे यहाँ पर। तो आज का लाइव स्नोफॉल तो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी मुझे करना है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फिर से जाऊँगा अपने गौशाला की तरफ। तो जब मैं गौशाला की तरफ जाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। और तो चलिए दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो चलिए दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ अपने गौशाला की तरफ, तो वहाँ पर मुझे देना है पशुओं को चारा। तो दोस्तों सर्दी के मौसम में पशुओं का भी ध्यान रखना होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, हमारे को अपने पशुओं का ध्यान टाइम टू टाइम रखना पड़ता है कि कब उनको चारा देना है, कब उनको पानी पिलाना है। तो वैसे तो सर्दी के मौसम में पशुओं को गर्म पानी पिलाना चाहिए और उनकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो चलिए दोस्तों धुंध तो काफ़ी छाई हुई है जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, इस साइड का एरिया तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों मैंने अपनी गाय को चारा दे दिया है। तो ये है हमारा पुराना घर, जो हमारे पुश्तैनी घर है वो हमारा ये पुराना घर है। तो यहीं पर हमारा नीचे की साइड में गौशाला है, तो हम यहाँ पर अपने पशुओं को रखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चारा देने के बाद अब हम जाएंगे गांव की तरफ घूमने, क्योंकि घर में काफ़ी बोर हो जाते हैं। तो अभी अपने गांव के जो भी लोग होंगे उनके साथ मिलकर बातें करेंगे, बैठेंगे, और जो भी होगा आज के दिन में इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब जाते हैं हम दुकान की तरफ, और दुकान से कुछ सामान भी लेना है। तो कैसे हैं आप चाचा जी? तो बर्फ़ पर क्या कहना है आपका, इधर देखो बर्फ पर क्या कहना है आपका? तो एक कम पड़ी यार, हमारे तो मजा नहीं आया। मजा नहीं आया? तो ठंड तो बहुत हो गई है। ठंड तो है। आप फिर आग सेक रहे? क्या हाल है नानी जी? ठीक है। और कैसा चल रहा है काम धाम? आगे बढ़िया काम चलेगा। बर्फ बर्फ भी थोड़ी गिरी गई है। ठीक है ठीक है। हाँ ठंड भी बहुत हो गया ना। ये देखिए जी पायलट और इनका बाइक, धुआं तो फैक्ट्री में भी कम निकलता है, इसमें ज्यादा निकल रहा है। देखिए तीन पायलट, तीन मुर्गे ब्रॉयलर मुर्गे आ रहे हैं। ये है जी तीन मुर्गे। ये देखिए दोस्तों हमारे साथ है साहिल बापटा, अंकु मांटा,
हेमंत भाटा, रोहित भाटा, हम आग सेक रहे हैं यहाँ पर, काफी आनंद ले रहे हैं। तो कैसा रहा भाई आज का मौसम? मौसम सर आज का बढ़िया रहा है, है? बढ़िया मौसम रहा है सर आज का, थोड़ा ठंडा है। बर्फ बर्फ कैसी रही? बर्फ भी ठीक रही, लगभग थोड़ी कम पड़ रही पर अच्छी रही। कैसे कम रही? थोड़ी अच्छी रही। अच्छा, उम्मीद है कि इसके बाद अभी और बर्फबारी दिखा रहा है कुछ नेट। तो फ्रेंड्स हमारे साथ है हेमंत भाटा जी, इधर उनकी शॉप के पास हम अभी आए हैं। तो यहाँ पर आग जली हुई है और अभी हम बनाएंगे, छोटी सी पार्टी करेंगे, चिकन पार्टी। तो ठंड के मौसम में अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से चिकन बनाएंगे और किस तरह से हमारी पार्टी चलेगी। तो ये हमारे साथ यहाँ पर रोहित भाटा जी बैठे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अभी आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम बताएंगे आपको चिकन बनाने की विधि कि किस तरह से हम चिकन बनाते हैं, और सिंपल और आसान। तो आज का हमारा छोटा सा प्रोग्राम है, अभी आपको हम दिखाएंगे चिकन बनाकर किस तरह से बनाते हैं। हेड कुक यहाँ पर अंकु मांटा जी, सभी मसाले हमने एक साथ डाल दिए हैं और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और हमारे साथ है यहाँ पर हमारे साथ दूसरे कुक है साहिल भाटा जी, और यहाँ पर है हमारे हेड कुक अंकु मांटा जी। और अभी हम यहाँ पर इसमें चिकन डाल दिया है। तो ये सबसे आसान तरीका, और हमारा जो यहाँ पर चिकन बनाने का जो शेड्यूल है वो अभी आप देख सकते हैं किस तरह से बना रहे हैं। और आपको इसे बिल्कुल फ्राई करना है। ये देखिए, आप इसको बिल्कुल घुमाते रहिए, सभी मसाले मिक्स हो जाएंगे इसके अंदर। तो कितने टाइम में बनाकर तैयार करके देंगे आप अंकु मांटा जी, कितने टाइम में बन जाएगा? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, 10-15 मिनट। 10 से 15 मिनट में यहाँ पर हमारे को तैयार करके दे देंगे यहाँ पर चिकन। अभी इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे और उसके बाद हम हल्का सा पानी डालेंगे, बाकी देखते हैं। ये तो बाकी बन किस तरह का बनता है, ये तो बनकर ही जब बनेगा तो हम आपको दिखाएंगे। ये हमारे गांव के नए कुक, अब हम नेक्स्ट टाइम अभी आपको दिखाएंगे जब बनकर तैयार होगा किस तरह से बनाया इन्होंने। ये देखिए बिल्कुल मसाले इसमें दिख रहे हैं, और जब बनकर तैयार होगा फिर हम आपको बताएंगे कि इन्होंने किस तरह का बनाया। तो अब यहाँ पर साहिल भाटा जी डालेंगे हल्का सा इसमें पानी। तो अब हम इसको इस कुकर को हम बंद कर देंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कितनी देर में तैयार करके देते हैं। अंत भाटा जी बताइए कैसा बना है? यम्मी ब्रो, यम्मी यम्मी। ये देखिए जी हमारे यहाँ पर कुक, नेक्स्ट टाइम भी हम इनसे ही बनवाएंगे। तुम बात नहीं सुन रहे ना, इतनी तो अच्छा बना। ये देखिए काफी अच्छा बनाया है, बाकी अब खा के पता लगेगा कि किस तरह से बनाया है इन्होंने। ये देखो भाई जी, हमारे आशीष मांटा ये चिकन पार्टी के बाद सफाई का भी विशेष ध्यान रखते हैं। जब हमने इसमें बनाया था अब इसकी सफाई भी करना जरूरी है। देखिए सर, ये सफाई के बहुत ध्यान रखते हैं, ये स्वच्छ भारत के नागरिक हैं, भारत को स्वच्छ रखना चाहते हैं। जब भारत स्वच्छ रहेगा तभी देश तरक्की करेगा। ये देखिए, ये राख है, ये राख है सर, साफ होता है। जब भी इस तरह के कोई जंग लगा होता है तो हम राख से इसको साफ करते हैं। जो आज की विम बार यूज करने से नहीं हो सकता, वो राख से हो जाता है इजीली। सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए आशीष मांटा देख सकते हैं आप चिकन पार्टी के बाद। साहिल भाटा जी पानी डालिए जरा। अब हमारे साहिल भाटा जी आएंगे, साहिल आप मौसम भी देख सकते हैं, मौसम कितना सुहाना है आज, चोटियों पे बर्फ, हमारे निचले क्षेत्र में बारिश,
हमारे साहिल फाफटा जी, मैं थोड़े आपको सामने से व्यू दिखाता हूँ इनका कुछ। ये देखिए हम आशीष वांटा से पूछते हैं सर, आज मौसम कितना अच्छा है आपको दिख ही रहा है? आज का मौसम बहुत ही सुहाना जो है। आज ये पार्टी है ये किस बेस से हो रही है सर? ये हमारे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, आज एंजॉय करेंगे, थोड़ी सी छोटी सी पार्टी रखी है तो अच्छा लगता है कि दोस्तों के साथ भी पार्टी की जाए और भी लोग मिलते हैं, अपने गाँव के लोगों के साथ अच्छा लगता है पार्टी करना। बाकी आप इस तरफ को देख सकते हैं, बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है, देख सकते हैं आप यहाँ पर जंगल की तरफ तो धुंधली छाई हुई है। बहुत ही अच्छा मौसम है आज के दिन का, पर हमें भी उम्मीद है शायद नीचे की तरफ भी बर्फबारी होगी, तो भगवान से तो हम यही प्रार्थना करते हैं हमारे यहाँ पर भी ज़्यादा बर्फबारी हो और हम भी यहाँ पर बर्फ के समय में मज़ा ले सके। तो हम मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस, शाम के बज चुके हैं 5, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी काफ़ी स्नोफॉल हो रहा है, तो दोपहर के समय तो बारिश हो रही थी और फिर से एक बार शाम के समय में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस साइड में तो बिल्कुल घनघोर हो चुका है मौसम शाम के 5 बजे के समय में। तो दोस्तों अब जाऊंगा मैं इसके बाद घर की तरफ, तो आपने देखा होगा हमने आज काफ़ी एंजॉय किया दिन भर और गांव के दोस्तों के साथ, और छोटी सी पार्टी भी थी तो उस पार्टी में भी हमने बहुत इंजॉय किया। तो चलिए दोस्तों अब हम जाएंगे घर की तरफ। आई होप गाइज आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कीजिए ऑल पर सेट, ताकि आपको हमारे न्यू ब्लॉग की वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले देखने को मिले। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और जाते जाते मैं आपको दिखाता हूँ शाम के समय का व्यू, तो आप इस व्यू को इन्जॉय करते जाना। तो बाय बाय दोस्तों।